देखिए, अगर आज की तारीख तक देखें तो लगभग 35% लोगों को कोरोना का टीकाकरण किया जा चुका है। कैथल जिले को ग्रामीण जिला माना जाता है, लेकिन अब जैसे जैसे मैं लोगों में रुझान देख रहा हूँ, गाँवों में भी लोगों में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। पहले लोग डरते थे, अब मैं देख रहा हूँ गाँव में भी काफ़ी रुझान आ रहा है। जैसे अभी 3 दिन पहले मैं एक गाँव में चेक करने गया था, तो वहाँ 100 में से 70 महिलाएँ थी और 30 पुरुष थे। इसी तरह आज भी RKSD कॉलेज में गया था मैं कैंप में, और उस कैंप में भी काफ़ी संख्या में जो है महिलाएं भी थी, और कॉलेज के जो कर्मचारी हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके परिजन वो कैंप है, और उम्मीद है कि इस आज के कैंप में लगभग 300-400 गरीब लोगों को टीकाकरण हो जाएगा। वैक्सीन की क्या उपलब्धता है, कितनी क्या स्थिति है? देखिए, हमारे पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों उपलब्ध हैं, और हमारा जो स्टेट हेडक्वार्टर मुख्यालय है वहाँ से हमारे निरंतर संपर्क बना हुआ है। जब भी हमें कभी ऑक्सीजन, अभी ऐसा नहीं हुआ कि अभी हमें वैक्सीन की कमी पड़ी हो, और जब भी हमें जरूरत हो मिल जाती है, तो इसके बारे में चिंता जनता ना करे, हमारा पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। अब तक कितना टीकाकरण हो? अगर लगाएं लगभग 3 लाख के करीब लाभार्थियों को कोरोना का टीका लगाया चुका है, जो लगभग आप लगाएं कि 35% जिले की जनसंख्या का पात्र पॉपुलेशन का बनता है। तो वैक्सीनेशन सेंटरों की स्थिति क्या है, कितने सेंटर चल रहे हैं, और लोगों को उनके ऊपर बुलाने के लिए आपको क्या? देखिए, हमारे वैसे तो 61 सेंटर हैं, आज हमारे लगभग 50 सेंटर चल रहे हैं, और क्योंकि जिस ढंग से वैक्सीन मिलती है उस ढंग से हम कैंप लगाते हैं, और इन कैंपों के लगाने के अंदर जो शहर की विभिन्न संस्थाएँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सामाजिक संस्था, साई संस्था और जितनी भी संस्थाएँ, उन सबका योगदान हमें मिल रहा है। कल भी साई मंदिर में कैंप है, वहाँ मुझे जाना है, तो इस तरह से ये काफ़ी लोग योगदान कर रहे हैं। मंडी में जैसे है, और हमारे उपायुक्त प्रदीप दहिया जी की प्रेरणा से भी कैंप लग रहा है, जो कर्मचारी हैं सरकारी दफ्तर में उनका परिजन, उनके लिए भी हम कैंप लगा रहे हैं। और भी हमें कोई कहीं से कोई रिक्वेस्ट ऐसी आती है हमने कैंप लगाना है, अगर हम वहाँ कैंप लगाने का सहज तैयार रहते हैं और हमारा स्टाफ हमेशा उपलब्ध रहता है। कुछ लोगों में ना भ्रम रहता है टीके के प्रति, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लोग कुछ तरह की चीज़ें देखते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या? देखिए, जितनी बातें फेसबुक पे आ रही हैं या इन पे आते हैं, ये आधिकारिक बातें नहीं हैं, इनसे भ्रम फैलता है और इनसे बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप आधिकारिक जो हमारे चिकित्सक हैं वो जो कहते हैं उनकी बात मानिए, और मैं क्योंकि MD मेडिसिन भी हूँ, मैं आपको इस नाते आश्वस्त कर सकता हूँ कि जैसे बचपन में DPT का टीका लगाते थे उससे थोड़ा बुखार हो जाता था, ऐसे इस टीके लगने के बाद थोड़ा बुखार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के दौर में जब कोरोना की तीसरी वेव आने का हमें खतरा अंदेशा बना हुआ है, तो ऐसे दौर के अंदर यही टीका हमें हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, और कोरोना से के खिलाफ जो एंटीबॉडी हमारी बनेगी उससे लड़ने में मदद करेगा। अगर कोरोना होगा तो गंभीर नहीं होगा, ICU में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हो सकता है मोर्टेलिटी भी टल जाए, मौत भी टल जाए। लोगों को तीसरी लहर का भी बड़ा ही है चल रहा है, लोग वेट ऐसे कर रहे हैं, खास बात होने वाली है, थोड़ा जागरूकता के लिए बताएंगे लोगों को क्या संदेश आपका कि तीसरी लहर से आने से पहले लोग बच सकें, तो क्या क्या प्रिकॉशन है? देखिए, जो 3 अन्य माध्यम हैं, अन्य मेथड हैं, जैसे मास्क लगाना, 2 गज की दूरी, और समय समय पर हाथ धोते ना, ऐसे सैनिटाइजर है जिसमें न्यूनतम 70% अल्कोहल हो, या साबुन से हाथ धोते रहें अगर आपको वो ना मिले, आप अगर कभी किसी लिफ्ट में जाएं तो इधर उधर हाथ ना लगाएं, और स्पर्श से बचें, लेकिन आपने मास्क जरूर लगाना है। और मास्क को लगाने का तरीका है, मैं आपको वैसे बता दूँ कि आपने मास्क लेके इसको तनी से पकड़ना है, और आपके ये नाक और ये पूरा का पूरा ढका हो, अगर ये आपका खुला होगा तो उसका मास्क का कोई लाभ नहीं है, एक ही औपचारिकता होगी। तो आपने मास्क जरूर लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है, और समय से हाथ धोना है, और सबसे ज़्यादा जरूरी, आपने राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार कोरोना का टीकाकरण है वो जरूर करना है। हमारे हरियाणा के यशस्वी स्वास्थ्य में अनिल विज जी दिन रात इस काम में लगे हुए हैं, और आपने सरकार का सहयोग करके इस कोरोना नाम राक्षस को इस देश से, इस विश्व से भगाने में हमारी मदद करनी है।